Myself Gagan Singh, SSC LTS, और आज हम लोग WAP 7 और WAG 9 दोनों लोगों की टेस्टिंग के विषय में कुछ जानकारी लेंगे। हमारे यहाँ दो तरह के लोकोमोटिव टेस्ट किए जाते हैं, WAP 7 पैसेंजर के लिए, WAG 9 गुड्स के लिए। जैसा कि हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की टेक्नोलॉजी जो है वो ABB से ली गई है, वो बेसिकली अभी इसके पहले CLW ही बनाता था, हम लोगों ने डीजल से स्विच ओवर किया है इलेक्ट्रिक लोको पे। तो एक जो स्लाइड मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, इसमें बैकग्राउंड पे हमारा सिर्फ लोकोमोटिव में जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनकी लेइंग कनेक्शन किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये हमारा जो है ओवरहेड लाइन है, 25,000 वोल्ट से चार्ज होती है। ये पेंटोग्राफ है हमारा, एक्चुअली बेसिकली दो पेंटो होते हैं, हमने एक ही पेंटो से बना के इसको ड्राइंग किया है। और ये हमारे लोकोमोटिव को ऐसे देखा जाए तो दो तीन पोर्शन में बांटा गया, एक रूफ सर्किट हमारी हो जाती है, ये जो छत के पोर्शन पे आप देख रहे हैं, दूसरा इन हाउस जो आपका सेल है उसके अंदर का पोर्शन हो जाता है जो आइटम लेइंग कनेक्टेड है, और तीसरा पोर्शन बोगी का हो जाता है जो अंडर फ्रेम आपके कनेक्टेड हो। तो इस लोकोमोटिव के जो इक्विपमेंट है उनके लेइंग को तीन पार्ट में बांटा गया है। 25,000 वोल्ट हमारा पेंटो के थ्रू जो होता है सीधे VCB हमारा सर्किट ब्रेकर लगता है बीच में, इसके थ्रू ट्रांसफार्मर को चार्ज करता है। VCB का मतलब हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जो ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर की चार्जिंग थ्रू पेंटो के बीच में एक स्विच का काम करता है, ब्रेकर का काम करता है कि अगर ये VCB अगर हमारा ऑफ हो गया किसी कारण से तो ट्रांसफार्मर की सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। इस ट्रांसफार्मर इट इज हार्ट ऑफ द लोकोमोटिव, मेन ट्रांसफार्मर मेरा हार्ट ऑफ द लोकोमोटिव। अब इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग हमारे चार्ज होने के बाद सेकेंडरी से अलग अलग हमारे टर्मिनेशन बने हुए हैं। यहां से हमारे पास दो कन्वर्टर होते हैं, SR1 और SR2। ये SR1 जो होता है वो तीन मोटर के लिए बोगी 1 के लिए कनेक्टेड होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये इसका ट्रांसफार्मर का इनपुट गया, यहां से हमारा क्या होता है ये मोटर से कनेक्शन सीधे आ रहा है ट्रक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 के लिए। ठीक इसी तरह से आप देखिए दूसरा SR कनेक्ट हो रहा है हमारा, इसके भी वाइंडिंग जो जा रही है हमारी ट्रक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 के लिए जा रही है। तो बेसिकली एक बोगी के लिए एक SR, SR मीन्स दैट इज ट्रैक्शन कन्वर्टर, ये इनका नॉमिक्लेचर जो है वो ABB लैंग्वेज में है, इसको आप ट्रैक्शन कन्वर्टर कह सकते हैं। जैसे कि हमारे HSP लोको में TCC1 होता था, TCC2 होता था, उस तरह से ये है SR1 और ये SR2, तीन तीन मोटर को अलग अलग ड्राइव करता है। इनकी वाइंडिंग भी अलग होती है, इनका कन्वर्टर पैनल भी अलग होता है, सेपरेट कंट्रोलिंग होती है। अगर किसी कारण से हमारा किसी एक SR में प्रॉब्लम आती है उसको आइसोलेट करके हम दूसरे से लोकोमोटिव की शंटिंग या मूवमेंट करा सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर के साथ और भी वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर है तो उसकी कूलिंग के लिए ऑयल सर्कुलेशन की व्यवस्था होती है और इसके लिए पंप लगे रहते हैं। इन पंप को ड्राइव करने के लिए कुछ हमारे अलग से ऑक्सिलरी कन्वर्टर पैनल लगते हैं जिसे कहते हैं बर 1 पर 2, 3, एक इन हाउस में होते हैं और बर 1 एक अकेला होता है। ये सब मशीन रूम के अंदर होते हैं जो सेकंड पार्ट आपका सेल का है उसके अंदर। बर 1 ये भी ABB की भाषा में है, ये एक्चुअली क्या ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, बर 2, 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 एंड 3।
इसका भी इनपुट जो होता है देखिए यहां से आ रहा है, ट्रांसफार्मर से आ रहा है ये इनपुट, और इसकी जो सेकेंडरी आउटपुट जो हमारा निकल रहा है ये अलग अलग सर्किट में अलग अलग में जाता है। ये देखिए इनकी सर्किट जो बनी हुई है यहां से, ये क्योंकि ये पैनल जो होते हैं ये हमारे जितने भी कंट्रोलिंग डिवाइस लोकोमोटिव की है, जितने भी ऑक्सिलरी मशीनें हैं, मोटर्स हैं, उनको ड्राइव करने के लिए होती हैं। जैसे कि कूलेंट पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, मशीन रूम ब्लोअर हो गया, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर हो गया, एक्सेट्रा। तो इनको करने के लिए अलग अलग ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर पैनल बना दिए गए हैं, और जिससे कि इनकी ड्राइविंग होती है। और इनके कुछ सिग्नल और भी सर्किट में जाते हैं जो कंट्रोल ब्रेकर्स बने रहते हैं। ये HB1 क्या है, ये हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स पैनल है, HB2 हाई सर्किट हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है। मतलब लोकोमोटिव में जो बैटरी यूज होती है वो 110 वोल्ट की होती है, और इसके बाद जो भी वोल्टेज हमारा 25,000 वोल्ट तक जाता है ये हाई वोल्टेज में आता है। तो इसमें HB1 और HB2 में जितने भी ब्लोअर्स बने हुए हैं वो 440 के होते हैं, इसलिए इनको ब्रेकर एक पैनल ही अलग कर दिया गया हाई वोल्टेज के नाम से, HB1 और ये HB2। इसी तरह हमारे लोकोमोटिव में जो 110 वोल्ट से नीचे या 110 वोल्ट जो ब्रेकर या सर्किट ब्रेकर या क्वायल या रिले कॉन्टेक्टर यूज किए जाते हैं वो लो वोल्टेज के लिए SB1 के लिए आते हैं, और ये SB2 के लिए आते हैं, SB1 और SB2। तो इस तरह से हमने देखा है कि जितने ब्लोवर्स हैं वो भी कनेक्टेड हो गए, और इन सब में यहां से इसके अंदर एक वाइंडिंग और आती है फिल्टर ब्लॉक की। इसी ट्रांसफार्मर से जो सेकेंडरी आउटपुट एक फिल्टर ब्लॉक में जाता है। फिल्टर ब्लॉक का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी हमारा हाई वोल्टेज सिग्नल आता है, एक्चुअली क्या ये प्योर साइन वेव ना के कुछ हार्मोनिक्स आते हैं इसके अंदर। हाई वोल्टेज होने से जो हार्मोनिक्स आते हैं वो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी होती है, उनको फिल्टर करना जरूरी होता है। तो ये बेसिकली RC फिल्टर होते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस बेस्ड होते हैं। ये क्या करते हैं कि अनवांटेड फ्रिक्वेंसी को हाई वोल्टेज को फ्रिक्वेंसी को फिल्टर कर देते हैं, और आपको जो 50 Hz रिक्वायर्ड है उस पर आपको वोल्टेज पूरा मिलता है। उसके बाद यही सिग्नल आपके हैं, इनके सिग्नल जो हैं यहां से कुछ सिग्नल हमारे स्किन के साइड से भी कनेक्टेड है, ये सिग्नल जो हमारे SR से भी कनेक्टेड है, SR2 से भी कनेक्टेड है, इनकी अलग अलग लेंथ दिया हुआ है, ये केबल कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है फिल्टर सर्किट। तो इसका मतलब हमारे पास एक वाइंडिंग हो गई ट्रैक्शन कन्वर्टर की, एक हो गई ऑक्सिलरी कन्वर्टर की, एक हो गई फिल्टर ब्लॉक की। अब हमारे पास एक और वाइंडिंग आती है, दैट इज कॉल्ड होटल लोड। ये देखिए ये होटल लोड की, देखिए ये वाइंडिंग आ रही है, ये वाइंडिंग आ रही है, ये देखिए ये सीधे आकर के यहां से कनेक्टेड हो रही है। होटल लोड क्या है कि हमारे लोकोमोटिव में जब भी ट्रेन या कोचेस के साथ ये चलेंगे तो इनको से कम हमको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो हमारे पावर कार के रूप में भी जो यूज होता था, डीजल अगर डीजल इंजन यूज कर रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करने के लिए एक ट्रांसफार्मर में एक स्पेशल वाइंडिंग कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड होटल लोड वाइंडिंग। उससे हम एक दो कन्वर्टर यूज करते हैं, होटल लोड कन्वर्टर 1 और होटल लोड कन्वर्टर 2, और इसके सहायता से हम क्या करते हैं कि इसका 750 वोल्ट आउटपुट ले करके और जो कोचेज में होता है थ्रू IV कपलर के कनेक्टर के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा स्टेप डाउन करा के 440 110 जैसी रिक्वायरमेंट AC पंखे लाइट वगैरह वगैरह हम उसको यूज कर लेते हैं। तो विदाउट हेल्प ऑफ एनी डीजल पावर और पावर कार वी कैन ड्राइव फुल AC कोचेस एंड लाइट एक्सेट्रा विथ हेल्प ऑफ होटल लोड कन्वर्टर। तो ये ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन क्या हो गया है कि अगर हम इसको इस तरह से समझें, जैसे हमारे घर में कोई पानी की टंकी है, उसके इनपुट में आपने पंप से आप टॉप अप करते चले जा रहे हैं, आउटलेट में अलग अलग टैप बना हुआ है, जैसी जरूरत है आपने उसको यूज करो है। तो ये ट्रांसफार्मर बेसिकली उसी काम में आता है हमारा, कि अलग अलग हमने वाइंडिंग बना दिया जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हम उसको यूज कर रहे हैं इसमें। तो अब हमारे पास लोकोमोटिव में इसके साथ हमारे देखिए DDU स्क्रीन बने हुए हैं, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट 1, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट 2। ये जितनी एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब के सिग्नल जो प्रोसेसर सिस्टम है ये सब लोकोमोटिव में आपको ड्राइवर को स्क्रीन पे आते रहते हैं। वो चीज से कितना वोल्टेज आया, कितनी करंट जा रही है, कितने ट्रैक्शन मोटर में आपको करंट जा रही है, कौन कौन सी ट्रैक्शन मोटर चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, कितना टेम्परेचर है, कितना ब्रेक प्रेशर है, ब्रेक पैनल का सिग्नल क्या आ रहा है,
ये सब ये जितने आइटम लगे हुए आप ये समझिए इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट हैं इन सब का कंट्रोल वोल्टेज जो है कंट्रोल सिग्नल जो है वो डीडीयू में स्क्रीन पर ड्राइवर पास आता रहता है और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन कराता है दैट इज कॉल्ड वीसीयू व्हीकल कंट्रोल यूनिट। व्हीकल कंट्रोल यूनिट दो आप देखेंगे ये SB1 SB2 के नीचे ही लगी रहती है तो बोगी 1 के लिए VCU1 आपका होता है बोगी 2 के लिए VCU2 होता है। तो इस तरह के चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी आपका हाई वोल्टेज लो वोल्टेज सिग्नल को जो कम्युनिकेट करा के ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट पे आपको शो उसमें हम ये चेक करते हैं। अब इसके लिए जो है हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कंप्लीट डायग्राम है तो हम ये समझ जाएंगे कि लोकोमोटिव में हमारा जो भी इंटरकनेक्टेड केबल्स है या पाइपिंग है इसमें हम आइटम एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। अब आते हैं हम लोकोमोटिव पे एक फ्लो चार्ट है कि हमारी लोकोमोटिव की टेस्टिंग होती कैसे। इस लोकोमोटिव की टेस्टिंग के लिए बेसिकली हम क्या स्टार्ट करते हैं जैसे लोकोमोटिव असेंबल होके हमारे पास आता है LS से असेंबल होके आता है पेंट होके आता है हम उसका पहले FIR बनाते हैं कि इसके अंदर जो भी वर्कर ने असेंबल करके हमको दिया सुपरवाइजर ने उस कंडीशन में इसके अंदर कोई वियर एंड टियर कोई फिजिकल आइटम डैमेज तो ऐसा नहीं है क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल और पावर सर्किट पूरी रिलेटेड है एक दूसरे से और जिसके चलते ऐसा ना हो कि हमारे पास हम लोकोमोटिव की टेस्टिंग आगे करें और कहीं ग्राउंडिंग हो जाए या अर्थ फॉल्ट आ जाए या और कोई कैजुअलिटी हो जाए। तो एज पर डायग्राम हम पूरा उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो भी लोकोमोटिव है FIR के हिसाब से वो ओके है कि नहीं। अब उसके बाद हम इसमें बैटरी कनेक्शन करके पहले तो लोकोमोटिव मशीन रूम एक्चुअली क्या होता है कि अगर इसमें लाइटिंग नहीं करेंगे तो आपको अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम पहले इसकी लाइटिंग करते हैं। लाइटिंग करने के बाद लोकोमोटिव में लाइटिंग कर लेते हैं और अब हम क्या करते हैं कि लोकोमोटिव की कंट्रोल सर्किट का लॉजिक बॉक्स टेस्ट करते हैं। लॉजिक बॉक्स टेस्ट एक ऐसी चीज है कि जो हम लोकोमोटिव के इंटायर कंट्रोल सर्किट लो वोल्टेज सर्किट को बिना कंप्यूटर को के ऑन किए हुए हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। कैब वन से कैब टू से लेके इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल आइटम इक्विपमेंट लगे हुए हैं इसकी कंट्रोल सर्किट्स 110 वोल्ट पे बिना कंप्यूटर को बिना सॉफ्टवेयर डाले हुए एक्टिवेट करके हम पूरी सर्किट की कंटिन्यूटी कर लेते हैं कि कंसर्निंग वायरिंग जहां लगनी वहां लगी है कि नहीं लगी जो कनेक्टर लगे हैं वो फिजिकली अपने हिसाब से उनकी कंटिन्यूटी एक दूसरे से है कि नहीं है। अगर ये हम लॉजिक बॉक्स टेस्ट कर लेते हैं तो समझिए कि 50% लोकोमोटिव हमारा कंट्रोल में हो जाता है कि इंटायर सर्किट हमारे लोकोमोटिव की फ्रंट कैप से लेकर रियर कैप से लेकर पेंटो से लेकर हमारे मोटर तक सेंसर तक जो भी है सब ओके। अब अगला हम टेस्ट करते हैं पोलरिटी टेस्ट। पोलरिटी रेशियो क्या चाहिए ट्रांसफार्मर जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है तो प्राइमरी में हम क्या करते हैं इसका वोल्टेज देते हैं विद सर्टेन पोलरिटी पॉजिटिव पोलरिटी के साथ देते हैं। उसी रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि सेकेंडरी में पोलरिटी पॉजिटिव मिलनी चाहिए फिर रिवर्स करके देखते हैं कि रिवर्स हो रही है कि नहीं हो रही है। इससे हमारे वाइंडिंग की कंडीशन पता चल जाती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हमारी सही है और उसी में हम रेशियो टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा रेशियो जो है हमारा जो भी ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया वो रेशियो उस रिस्पेक्ट में है कि नहीं। इसके बाद हम इसमें सॉफ्टवेयर लोडिंग करते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर लोडिंग है आफ्टर पोलरिटी टेस्ट हम क्या करते हैं कि इस लोकोमोटिव में अभी आपको हम आगे स्लाइड में दिखाएंगे सॉफ्टवेयर लोडिंग करने के बाद लोकोमोटिव में हमारा ये हो जाता है कि जो हम कंटिन्यूटी टेस्ट पहले किए थे लॉजिक बॉक्स से अब वो कंप्लीट इंटायर जो इक्विपमेंट है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू कंप्यूटर थ्रू सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम लोकोमोटिव में पेंटो कैलिब्रेशन करते हैं। पेंटो कैलिब्रेशन दोनों पेंटो कैलिब्रेशन को हम सप्लाई देते हैं और इसका जैसे पेंटो आपका ओसी से टच करता है वो एक सर्टेन थ्री स्टेज में टच करता है और उसका कैलिब्रेशन होता है पहले स्लो धीरे उठेगा पहले तेज उठेगा फिर धीरे उठेगा फिर लास्ट में धीरे जाकर के वो टच करेगा पेंटो से वो ओसी से ठीक इसने उसका रिवर्स वे जब ऑफ करेंगे तो वो भी थ्री स्टेज में आना चाहिए और ये देख लेते हैं इसमें प्रेशर हमारे पास कितना है।
इसके बाद हम क्या करते हैं, मिनिमम वोल्टेज रेजिस्टेंस और मैक्सिमम करंट, ये एमवीआर रिले जो हमारे लगते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में, दो चीज है कि हमारे पास सेफ्टी क्या है हम लेके चल रहे हैं। मान लीजिए ऊंची हमारे पास ज्यादा हो गई, 25,000 से 30,000 तक हो गई, तो इसका जो रेंज दिया गया है मैक्सिमम दिया हुआ है 30,000 वोल्ट तक और मिनिमम दिया 17.5। तो इस तरह से हम लोकोमोटिव का मैक्सिमम करंट और मिनिमम वोल्टेज रिले जो लगे रहते हैं उसकी हम टेस्ट करते हैं कि हमारे टेस्टिंग में सेफ्टी हो रही कि नहीं हो रही ट्रांसफार्मर की। इसके बाद जितने भी हमारे मशीनें लगी हुई हैं, जैसे कंट्रोल पैनल बने हुए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल पैनल हैं, ऑक्सिलरी के हैं, फिल्टर ब्लॉक के हैं, होटल लोड में इसमें करंट सेंसर लगे रहते हैं, इन सबकी अलग से हम ट्रिपिंग करा के देखते हैं कि सेंसर वो एक्सेस करंट होने पर ट्रिप हो रही है कि नहीं, सेफ्टी हो रही कि नहीं हो रही है। क्योंकि अब देखिए सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर अर्थ रिटर्न ब्रश लगते हैं, ईआरबी जिसे कहते हैं, इसके थ्रू आपके पेंटो की सर्किट जो है 25,000 वोल्ट अर्थ के थ्रू रिटर्न होती है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हम चेक करते हैं और फिजिकल अवेयरनेस चेक करते हैं, और जो ट्रांसफार्मर आयल होता है उस वक्त हम उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज चेक कराते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारा जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो मोर देन 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, और अगर नीचे आ रहा है तो हम उसको 2-5 बार इसका एवरेज लेकर के चेक करते हैं कि ब्रेकडाउन इसका वोल्टेज से जो कूलिंग पर्पस के जो हमारा डायलेक्ट्रिक के लिए दिया गया है ऑयल वो सही है कि नहीं है। अब हम इसके बाद लोकोमोटिव आगे टेस्टिंग बढ़ाते हैं, रूफ इंस्पेक्शन कर लेते हैं, रूफ में कोई चीज वियर एंड टियर तो नहीं है, कुछ खुला तो नहीं है, क्योंकि एक बार रूफ इंस्पेक्शन के बाद फिर हम दोबारा ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। जो रूफ इंस्पेक्शन होने के बाद प्री चार्जिंग इंस्पेक्शन हम यहाँ करवा रहे हैं। प्री चार्जिंग इंस्पेक्शन का मतलब हो जाएगा जो ट्रांसफार्मर और जैसे आप पिछली ड्राइंग में देखेंगे ट्रांसफार्मर और एसआर के बीच में जो कनेक्शन होता है वहां पे गैपिंग बहुत कम होती है, तो वहां पे ये देख लेते हैं कुछ फॉरेन मटेरियल या ऑयल का लीकेज या वाटर वाटर इंग्रेज नहीं होना चाहिए। देन हम हाई वोल्टेज चार्जिंग करते हैं, फर्स्ट चार्जिंग कर लेते हैं, इसकी हेल्दी कंडीशन आ जाती है, ट्रांसफार्मर चार्ज हो जाता है सभी, उसके बाद जितनी मशीनें बारी बारी समय सभी इनको सीरियली में चलाते हैं, जितनी रोटरी मशीनें लगी होती हैं सब ओके वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद हम बर रिडेंसी करते हैं, बर रिडेंसी एक्चुअली से क्या है, किसी ऑक्सिलरी कन्वर्टर की रिडेंडेंसी है कि अगर बाय द वे एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर आपका फेल हो जाए तो उस पे लोडेड जितनी भी मशीनें हैं वो दूसरे पे स्विच ओवर हो जाए, जिससे क्या होगा कि आपका सेक्शन क्लियर हो जाएगा, ब्लॉकेज नहीं होगा, लोकोमोटिव आपका चलता रहेगा। बर रिडेंसी करने के बाद हम लोकोमोटिव में जितनी सर्किट है इसको 4 भाग में बांटा गया, अर्थ फॉल्ट टेस्ट करते हैं, अलग अलग सर्किट को हम अर्थ करके देखते हैं कि सेफ्टी हो रही कि नहीं हो रही। इसके बाद हम होटल लोड टेस्ट करते हैं, ये देख लेते हैं इसका 750 वोल्ट हमको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो हमारे फर्दर पर्पस के लिए है, और आईवी कपलर के आउटपुट हम चेक कर लेते हैं, बाकी कोचेज में लगा के उसको चेक किया जाता है। इसके बाद हम लोकोमोटिव को चलाने के लिए रेडी करने के पहले एक हमारा एयर ब्रेक टेस्ट आता है। एयर ब्रेक टेस्ट में हम ये देख लेते हैं जो मास का प्रेशर चार्ज हो रहा है उसके थ्रू हमारा बीपी बीसी और इक्वलाइजिंग से लेके जो भी हमारी इंटायर ब्रेक सर्किट में पाइपिंग है उसमें प्रेशर का जो प्रिस्क्राइब प्रेशर है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ब्रेक सर्किट हमारी ओके हो जाती है देन हम ट्रैक टेस्ट करते हैं। ट्रैक टेस्ट में क्या है, इंडिविजुअल बोगी पहले हम देखते हैं चला करके, इंडिविजुअल बोगी के बाद इंडिविजुअल मोटर भी हम लोग यहाँ पे चला के देख लेते हैं, उसका फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन की मोटर सही चल रही है कि नहीं चल रही है, फिर कंबाइंड चलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका रीजेनरेटिव ब्रेक इसमें लगाते हैं, और इसमें और भी फीचर्स हैं हमारे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाते हैं और फेल्योर मोड में लोकोमोटिव, इसकी और भी जो टेस्टिंग है ट्रैक टेस्ट में हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब कूलिंग पर्पस के हम क्या करते हैं, इसमें ट्रैक्शन मोटर बूट प्लेट लगाते हैं, जो ट्रैक्शन मोटर कूलिंग के लिए एयर गैलरी होती है वो एक्चुअली डमी रहता है, वहां पे डमी निकाल करके हम उसके अंदर एक रबड़ का होज जो लग के आता है उसको हम कंप्लीट करते हैं कि मोटर की कूलिंग प्रॉपर हो सके। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, इसका सावर टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए लोकोमोटिव अगर हमने टेस्ट कर लिया अब इस कंडीशन में लोकोमोटिव में कहीं वाटर इनसाइड से आ तो नहीं रहा है, तो यहाँ लोको टेस्ट शॉप में बाहर की तरफ सावर प्लांट बना हुआ है, वहां पर लोकोमोटिव का सावर टेस्ट किया जाता है और लीकेज अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो भी छोटी मोटी डिफिशेंसी बनी रहती है अदर शॉप्स की या सावर टेस्ट में जो भी डिफिशेंसी आती है उसको हम लोग अटेंड करते हैं, और एक बार पुनः उस लोकोमोटिव को डिस्पैच के लिए हम तैयार करने के लिए शुरू से ये जो सर्किट हमारी जैसे लाइटिंग हो गया, लॉजिक बॉक्स नहीं देखेंगे, लाइटिंग चेक कर लेते हैं, उसका एयर ब्रेक चेक कर लेते हैं, ट्रैक टेस्ट, इस तरह से एक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट है और हम वो पूरा चेक करके देख लेते हैं कि लोकोमोटिव हमारा रेडी है नहीं। और अब इसके बाद हम लोकोमोटिव को डिस्पैच करते हैं यहां से कंप्लीट, और यहां से फिर लोकोमोटिव का रोड रन ट्रायल किया जाता है, और रोड रन ट्रायल जो हमारा होता है वो 100 की स्पीड से लोकोमोटिव चलता है, और रीजेनरेटिव ब्रेक लगाने के बाद जो है हम लोकोमोटिव की वर्किंग हेल्दी कंडीशन में चेक कर लेते हैं इतनी स्पीड से कि हमारे लोकोमोटिव की
जो टेस्टिंग है वो अपडेट है कि नहीं। अब इसके जैसे ये तो हमने आपको बता दिया टेस्टिंग होती है। देखिए एफआईआर हम यहाँ पे हम जैसे किए तो रूफ इंस्पेक्शन में है, मशीन रूम में कहाँ कहाँ एफआईआर हम देखते हैं, जो डिफिशेंसी है, कैब पैनल्स बने हुए हैं, ये अंदर कैब का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ड्राइवर कैब की कंडीशन में है। अब मशीन रूम के अंदर जो इक्विपमेंट लेइंग किया हुआ है इसका टॉप व्यू देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, जो इक्विपमेंट आपके बने हुए हैं वो इस तरह से बने हुए हैं। दो कैब होते हैं, कैब वन से अगर चले तो एक ड्राइवर आपका होता है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ये आपका ड्राइवर कैब हो गया, ये आपके बफर हो गए, ये लगे हुए हैं। इसके बाद इस मशीन के अंदर हर आइटम लगभग दो आपके देखे, वन साइड चले MR1 HB1 SB1 BR1 आपका आ गया, इसी तरह यहां से आइए MR2 HB2 SB2 BR2 3X शायद, ये इंटरकनेक्टेड सब आइटम हैं और इनका टॉप व्यू दिखाया गया है यहाँ पे कैसे एक दूसरे से आपको फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है ये मशीनरी में। अब हमारी जो बैटरी सर्किट हमने आपको बताया था, देखिए 110 वोल्ट की बैटरी सर्किट है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, वोल्टेज ऑफ करेक्ट पोलरिटी फीड फॉर लाइटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए, मशीन रूम लाइट जितनी हम लाइट सर्किट जो सब 110 वोल्ट से ऑपरेटेड आपकी जाती है। जो लॉजिक बॉक्स टेस्ट करते हैं, ये देखिए कुछ बक्से आपके बने हुए हैं, ये आपको यहाँ पे हमने दिखाए इसके फोटोग्राफ में, जो लॉजिक बॉक्स करते हैं इसके अंदर ये देखिए सब कनेक्टर्स बने हुए हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जितने भी VCU जो बताया आपका व्हीकल कंट्रोल यूनिट है, जो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम है, उसको हमको बाईपास करना होता है, तो इसके हम मेल फीमेल से उसको बाईपास कर देते हैं और उस सर्किट के इनपुट का वोल्टेज हम यहां से, जो देखिए येलो कलर की ये इंडिकेशन लैंप बने हुए हैं और ये जो ब्लू कलर के हैं यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं और यहाँ पे हमारी लाइट अगर ऑन हो जाती है और वोल्टेज मिलने लगता है तो हम समझ जाते हैं जो सर्किट हम चेक कर रहे हैं वो अपडेट है। इसी तरह ये देखिए हमारे ये बने हुए हैं तो हमारे ट्रैक्शन कन्वर्टर वन जो आपका VCU1 में भी लगते हैं, लॉजिक बॉक्स बनते हैं और VCU2 में लगते हैं, तो एट ए टाइम 8 लॉजिक बॉक्स हम लगाते हैं, 4 इसमें लगाते हैं VCU1 में और 4 VCU2 में लगाते हैं। इंडिकेशन विथ वोल्टेज मतलब हमको ये हो जाता है, लाइट भी जल रही है प्लस वोल्टेज भी हमको वहां पे मिल जाता है, तो हमको ये पता चल जाता है कैब वन से या कैब टू से जो भी ऑपरेशन चेक कर रहे हैं उसी कंटिन्यूटी ओके। ये कनेक्शन आपको बने हुए। इसके बाद लो टेंशन टेस्ट, इसके अंदर हम जो सर्किट इसको चेक करते हैं इसके लिए कुछ यहाँ देखिए शीट दी हुई है, ये सर्किट है, इसमें मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर जो भी सर्किट हमारी यूज की जा रही है ये इसी शीट में आपको पूरी सर्किट मिल जाएगी लोगों को। लॉजिक बॉक्स के लिए हमारे ये जो 4 बॉक्स हैं ये VCU1 में लगते हैं, 4 बॉक्स VCU2 में लगते हैं, जैसा कि अभी आपको बताएंगे कि ये इसके अंदर जो येलो इंडिकेटर है ये आपको 110 वोल्ट के इंडिकेटर है, तो हमारी कंटिन्यूटी टेस्ट में ये वोल्टेज ये इंडिकेशन लाइट ग्लो भी हो जाती है और हम यहाँ पे कंसर्निंग मल्टीमीटर लगा करके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे कंसर्निंग वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इससे हमारी कंटिन्यूटी पूरी चेक हो जाती है। उसमें कुछ शीट हैं जिनका कि हम एक एक सीट को स्कीमेटिक के थ्रू उसको चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी कहाँ से कहाँ कैसे जा रही है और हमारी लॉजिक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम पोलरिटी टेस्ट कैसे करते हैं, पोलरिटी के लिए पास हमारे पास जो है ये ऑसिलोस्कोप है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए हमने रिवर्स पोलरिटी बनाया हुआ है, ये देखिए इसको यहाँ से हमने चेंज कर दिया, ये इस तरह से जा रहा है और इसके सेकेंडरी में देखिए ये पोलरिटी इस तरह से जा रही है। तो एक हमने एग्जाम्पल बनाया और उसको थ्रू वेरियाक, एक वेरियाक हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑसिलोस्कोप की मदद से हम पोलरिटी टेस्ट कर लेते हैं और रेशियो टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर, इसे तो कंपनी चेक करके देती है मगर ट्रांसफार्मर की पोलरिटी हमारी सही है कि नहीं है। और इसके लिए 140 वोल्ट RMS वैल्यू हम यहाँ पे चेक करके दे देखते हैं, ये आइटम लगे हुए थे इनके थ्रू या चेक करते हैं, और ये जो चेक किया जाता है लाइन कन्वर्टर की, ऑक्सिली कन्वर्टर की, होटल लोड की और हार्मोनिक फिल्टर की। अब उसके बाद जो होता है हम लोकोमोटिव का ऑक्सिली ट्रांसफार्मर भी एक हम इसके अंदर यूज करते हैं और उसके लिए फार्मर का जो भी सिचुएशन है जो भी है वो काम कर रहा है कि नहीं, इसके बाद जो है
लोकोमोटिव सॉफ्टवेयर लोडिंग अगर हमको करना है उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोपल्शन सिस्टम अलग अलग फर्म के आते हैं, जैसे एबीबी है, सीजीएल है और बीएचएल है और बम्बार्डिया बीटी। इसमें एक्चुअली जो हमारा सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो एसआर, बर्न और वीसीयू। एसआर क्या है? ट्रैक्शन कन्वर्टर हो गया, बर्न क्या हो गया? ऑक्सिलरी कन्वर्टर हो गया, और वीसीयू व्हीकल कंट्रोल यूनिट आपको जैसे बताया उसमें आपके किस किस वर्जन के सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ किस नंबर से डाले जाते हैं अलग अलग फर्म का आपका दिया हुआ है। और मेधा का एक अलग सिस्टम है, मेधा ने भी दिया हुआ, उनका थोड़ा सेपरेट है बनाया, इसलिए मेधा का हमने सॉफ्टवेयर वर्जन अलग से यहाँ पे दिखाया गया है, सेम चीज में भी है आपकी। और ये जो वीसीयू पोर्शन है जहां पे सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है वो यहाँ पे लोकेट बताया गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एमवीआर की सेटिंग करते हैं। मिनिमम वोल्टेज आपको बताया कि अब देखिए 17.5 किलो वोल्ट तक हमको करना है, यहां तक हमारे स्टैंड कर रहा है कि नहीं, सिस्टम करता है। इनके रिले बने हुए थे एमवीआर और एमसीआर, हमारे रिले बने हुए, ये देखिए एमवीआर एमसीआर। और इसी तरह मैक्सिमम करंट में हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो करंट जा रही है वो उसके थ्रू के बाद वो ऑफ हो रहा है, वीसीबी हमारी ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही, हम इस रिले के मार्फत हम उसकी सेफ्टी कर लेते हैं, मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट। अब करंट सेंसर टेस्ट, अभी आपको बताया जितने भी हमारे करंट सेंसर टेस्ट हैं इसके लिए हमको डीसी सोर्स चाहिए और लूप बॉक्स चाहिए, क्योंकि उस सेंसर की ट्रिपिंग अभी हम एक्चुअली इसको चार्ज तो कर नहीं रहे हैं, उसके पहले हमको सेंसर की ट्रिपिंग कराना है, तो जो करंट हमको देनी है डीसी सोर्स के थ्रू वो ये आपका डीसी सोर्स है और ये हमारा लूप बॉक्स है। इसके मार्फत क्या होता है कि हम लोकोमोटिव में अलग अलग प्राइमरी की, ऑक्सिलरी वाइंडिंग की, हार्मोनिक की, होटल वो जितने भी सेंसर बने हुए हैं हम इसके इतने मिली एम्पियर डीसी एम्पियर से हम इसको बायसिंग वोल्टेज को देकर के करंट देकर के हम ट्रिपिंग करा के देखते हैं कि हमारा वीसीबी ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका डाटा भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये सेफ्टी हो जाती है कि टेस्ट इसके पहले, क्योंकि अगर ये ट्रिपिंग नहीं होगी तो सिस्टम में कोई बड़ा कैजुअलिटी हो सकती है, अगर किसी सेफ्टी अगर सिस्टम उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, तो ये सिस्टम की सेफ्टी करना बहुत जरूरी है थ्रू सेंसर। अब उसके लिए हाई वोल्टेज प्रिपरेशन हमको चार्जिंग के लिए रेडी करना है, तो हम रूफ इंस्पेक्शन में यही देखते हैं कि कोई कंडक्टिंग मटेरियल या उसके ऊपर के पेंटोग्राफ में कोई ग्राउंडिंग या लूज कनेक्शन नहीं है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल की लिंक हमारी प्रॉपरली होनी चाहिए, लाइन कन्वर्टर जो है ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, हार्मोनिक फिल्टर, इसके नीचे कहीं भी कोई अर्थिंग या कोई फॉरेन मटेरियल पड़ा ना हो, अर्थिंग प्रॉपर हो, ग्राउंडिंग हो, ट्रांसफार्मर आयल का लीकेज ना हो, लाइन कन्वर्टर जितने आपके कन्वर्टर से कूलेंट जो भरा जाता है उसको चेक कर लेते हैं, पैनल्स ब्लोअर इक्विपमेंट की ग्राउंडिंग चेक कर लेते हैं, बीडीवी चेक कर लेते हैं, अर्थ रिटर्न ब्रश चेक कर लेते हैं कि हमारे जो लगे हैं जिसके थ्रू रिटर्न हो रही इसकी ओमिक वैल्यू इतनी आनी चाहिए 0.3 ओम। और इसके बाद जो है हम जो लोकोमोटिव का है जो प्रॉपर इसके अंदर की लगती है, की एप्लीकेशन को यूज कर लेते हैं कि हमारी प्रॉपर की हर जगह अपडेट है कि नहीं। अब उसके बाद हाई वोल्टेज चार्ज कराते हैं, ये हमारा देखिए मेन ट्रांसफार्मर, इसी की हम चार्जिंग फर्स्ट करते हैं, सेफ्टी चेक कर लेते हैं, जैसे हमने चार्जिंग किया इसके अंदर ये देख लेते हैं पेंटो उठ रहा है कि नहीं हो रहा है, डीजे हमारा ऑपरेट हो रहा है, इमरजेंसी स्विच से हम इसको ऑपरेट कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि सभी सेफ्टी इमरजेंसी स्विच के थ्रू पेंटो के थ्रू में काम कर रही है। उसके बाद फर्स्ट चार्जिंग आपका जो कर रहा है, कूलिंग में दो मोड होते हैं, कूलिंग मोड और ड्राइविंग मोड। कूलिंग मोड एक्चुअली क्या इस पर्पस के लिए होता है, जब 70 डिग्री अगर टेम्परेचर से ज्यादा होने लगता है तो सिस्टम ऑफ कर देता है, ब्लोअर और सिस्टम टेम्परेचर बेस्ड होता है वो कूलिंग इटसेल्फ होने लगती है, और लोकोमोटिव ड्राइविंग मोड में फिर आपका जाएगा ही नहीं जब तक कि आपका टेम्परेचर 70 के नीचे नहीं आएगा, और इसलिए हम उसको दोनों में चेक कर लेते हैं, सेम कंडीशन होती है कि पेंटोग्राफ उठाते हैं फिर उसको हम डाउन करके देख लेते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है दोनों कंडीशन में, उसके बाद हम ड्राइविंग मोड में देख लेते हैं। और ट्रांसफार्मर को जब चार्ज करते हैं तो फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि हमिंग साउंड आना चाहिए, ऐसा नहीं ट्रांसफार्मर एकदम डेड है, अब 25,000 वोल्ट है तो हम हाथ से तो उसको चेक करेंगे नहीं, मीटर पे वोल्टेज जो हमारा शो करता है वो तो 25,000 शो करता है, मगर एक हमिंग साउंड आती है, अगर हमिंग साउंड अगर ट्रांसफार्मर की आ रही है इसका मतलब हमारा वो हेल्दी कंडीशन में और चार्ज हो गया है। अब इसकी जितनी भी आपकी मशीनें हैं हम वहां पे ये देख लेते हैं कि इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर के बाद हमारे वेरीफाई प्रेशर जो भी हमारे कूलेंट और ऑयल का प्रेशर है वो हमारा आना चाहिए, उसका एमसीबी एक एक मशीन का हम क्लोज करते चले जाते 1000 वोल्ट से 415 वोल्ट तक की होती है, और देख लें जितनी मशीनें हैं उनका क्लॉक क्लॉइज डायरेक्शन, मोटर उल्टी चल रही है कि सीधी चल रही है ये देख लेते हैं, अगर उल्टा होता तो सीधा किया जाता है, स्टार्टिंग करंट कितना ले रहा है, कंटिन्यूअस रनिंग करंट मोटर कितनी ले रही है, और कोई उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल साउंड नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं ब्लेड लड़ रहा है या और कोई भी इस तरह के वियर एंड टियर है, वो साउंड हम चेक कर लेते हैं जितनी मशीनें लगी। और वो मशीनें कौन कौन सी है, ऑयल कूलर ब्लोअर है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर है, स्पेंजिंग है, ट्रैक्शन मशीन रूम ब्लोअर है, मेन
प्रेशर है, ट्रांसफार्मर पंप है, कैप फैन है, हीटर, वेंटिलेशन, ये सब मशीनें बनी हुई है। अभी हमने आपको बताया था ये बर्रिडेंसी, मतलब जो ऑक्सिली कन्वर्टर के लगे हुए हैं उनको, ऑक्सिली कन्वर्टर रिडेंसी का मतलब क्या हो गया, हमारे पास तीन बने हुए हैं, तीन बर वन वन, बर टू, बर थ्री। अब इससे कौन कौन से आइटम एक दूसरे से कनेक्टेड है, बर वन से देखिए हमारा ओसीबी कनेक्टेड है, ये इससे कंप्रेसर है आपका है, बर टू से ये कनेक्टेड है ओसीबी वन टीएमबी स्क्वेंज, बर थ्री में यहाँ पे, तो हमारे इसका अगर किसी कारण से ये आल बर में ये सब एक दूसरे से, इतनी मशीनें हमारी लगी हुई हैं, इतनी मशीनें आपके आल बर में चली रहती हैं, अगर किसी कारण से बर वन आउट हो जाता है, बर वन अगर आउट हो जाएगा तो इसका लोड किस पे चला जाएगा, लोड ऑन बर टू पे चला जाएगा, ये देखिए शिफ्टिंग हो गया। अगर ये बर टू आउट होता है तो अब इसका लोड, ये बर टू कट गया, इसका लोड चला गया बर वन पे चला गया और बर थ्री पे चला गया, इसलिए बर थ्री हमारा यहाँ कट गया, तो इसका जो ये सब जो लोड था वो कुछ इस पे आ गया, कुछ आपका वन पे आ गया, कुछ टू पे आ गया। इससे क्या होता है कि आपका लोकोमोटिव रुकता नहीं है और आपका सिस्टम चलने लगता है, मगर क्रू मैसेज ड्राइवर के पास आने लगता है कि बर वन आइसोलेट हो गया, बर टू आइसोलेट हो गया है, और सेक्शन क्लियर करने के लिए सब यूज किया जाता है। लोकोमोटिव का अर्थ फॉल जो हमारा है वो आपको हमने बताया था, कंट्रोल सर्किट है, पावर सर्किट है, ऑक्सिली पावर सर्किट है, होटल लोडर, हार्मोनिक फिल्टर, ये सभी कहां हम अलग से ग्राउंडिंग करा के देखते हैं कि हमारे अर्थ फॉल डिले ऑपरेट होने और सेफ्टी हो रही कि नहीं हो रही, और मैसेज हमारा आता है और ट्रिप हो जाता है सिस्टम वीसीबी। इसी तरह उसके बाद हमारा आता है होटल लोड ऑपरेशन जो बना हुआ है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 750 वोल्ट की जो आ रहा है ये आपका आईवी कपर पे फाइनली आउटपुट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा होटल लोड का वोल्टेज कितना मिल रहा है और इसके अंदर जो इंडिकेशन आ रहा है बीएलएचओ का, ये स्विच ऑन करने पे हमारी लाइट जल रही है, इसका होटल लोड ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोग यहाँ चेक करते हैं, लोड अभी हमारे पास देने के लिए व्यवस्था नहीं है, मगर हम इसका ओपन सर्किट यहाँ चेक कर लेते हैं आईवी कपर। एसी लगा रहता है, एसी को भी हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, दोनों कैम में हमारे एसी लगे रहते हैं, ये भी थ्री फेस एसी कूलिंग होती है, इनकी प्रॉपर कूलिंग और हीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, हम इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्म ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग ऑफ हाई वोल्टेज, अब यहाँ पे हमारा ट्रैक्शन मोटर का ब्रेक करने के बाद जो है हम लोकोमोटिव का इंडिविजुअल मोटर का करंट चेक करते हैं, डायरेक्शन रोटेशन कैसा चल रहा है, ट्रैक्शन मोटर का करेक्ट रोटेशन हम चेक कर लेते हैं कि छेओं मोटर आपकी सेम डायरेक्शन में चल रही है, ऐसा नहीं कोई उल्टा चल रही है, अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ट्रबल शूटिंग करके सीख किया जाता है। ट्रैक्शन मोटर की स्पीड और टेम्परेचर सेंसर लगे हुए थे, इनका हम टेम्परेचर देख लेते हैं, स्पीड देख लेते हैं कितनी आ रही है। उसके बाद कौन कौन से ट्रैक्शन ट्रैक टेस्ट में हम ऑपरेशन होते हैं वो है, जैसे फेल्योर मोड हो गया, इसमें क्या होता है एंगल या ट्रांसमीटर जो थ्रोटल और मास्टर कंट्रोलर ड्राइवर के पास होता है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसमें सिग्नल हम उसका स्विच होते हैं जो SB1 में हमारे लगे रहते हैं, उसको ऑपरेट करके हम लोकोमोटिव को फिर कंटिन्यू चला सकते हैं, और इसको कहते हैं फेल्योर मोड। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मोड है, इसमें अगर हम कर देंगे तो लोकोमोटिव आपकी 15 किलोमीटर की स्पीड से आगे चलेगा। बोगी कटआउट, आई के बोगी को काट करके देख लेते हैं। BPCS ऑपरेशन होता है, इसमें लोकोमोटिव को 5 किलोमीटर के ऊपर जैसे ही हम इस स्विच को ऑपरेट करेंगे जिस स्पीड पे चल रहा होगा फिर हमको एक्स्ट्रा एक्साइटेशन या थ्रॉटल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और लोकोमोटिव की जो स्पीड होगी कांस्टेंट जिस पे आप बटन दबाएंगे BPCS को उसी पे ही चलेगा, कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा। इसके बाद इंचिंग मोड आ जाता है, ये आपका 1.5 किलोमीटर की स्पीड से लोकोमोटिव चलाना हुआ बहुत कम स्लो स्पीड से तो हम उसको यूज करते हैं इंचिंग मोड में, ये सब ट्रैक के ऑपरेशन है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग करते हैं, इसी में जब हम ट्रैक कर लेते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो भी ब्रेकिंग चल रही है वो इलेक्ट्रिकली ब्रेक हमारा जो लग रहा है उस कंडीशन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और अप्रॉक्सिमेट 12% आपका टोटल पावर हमारा कंज्यूम होता है इसमें होता है, और ये जो हमारा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है ट्रैक्शन मोटर के थ्रू ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारी OHE में फीड भी हो जाता है, क्योंकि ये चलता फिरता एक पावर हाउस है लोकोमोटिव हमारा, जितनी बार हम ब्रेकिंग लगाएंगे ये जो वोल्टेज आएगा हमारा डीजल लोकोमोटिव में HHP लोकोमोटिव में ग्रिड में हम डिस्ट्रॉय करते थे, मगर इसमें इसी यही ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन का काम कर रहा है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में स्टेप अप का काम करेगा और 25,000 वोल्ट में कन्वर्ट करके वो OHE को दे देगा। इसके बाद अलार्म चैनल कूलिंग का है, हम ये देखते हैं सेफ्टी डिवाइस है, अगर एयर लीकेज कहीं हो रहा है वो कंडीशन में हमारे सिस्टम अलार्म और ये ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इमरजेंसी स्टॉप देखते हैं, VCD कंट्रोल करके देखते हैं इस कंडीशन में जो हमारे पास बने हुए हैं, ये मेजर है सेफ्टी ड्राइवर के लिए है कि अगर ड्राइवर ने कुछ ये ऑपरेशन हमारे फुट पेडल स्विच है BP भी आ रही है ट्रैक्शन उसके पैर के ड्राइवर के पैर के पास होते हैं, और हम अगर वो सब स्विचेस को या थ्रॉटल को रिवर्सल को सेम डायरेक्शन में अगर 60 सेकंड तक छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होता है 7 सेकंड का हमको हूटर बचता है,
और इंडिकेशन आने लगता है। अगर हम उसके बाद भी अगर नहीं करते हैं तो 7 सेकंड का और हमको सिग्नल अलार्म मिलता है, उसके बाद क्या होता है लोकोमोटिव में इमरजेंसी ब्रेक अपने आप लग जाएगा और 120 सेकंड तक ये रिसेट नहीं होगा। उसके बाद ये रिसेट होगा और ये सभी भी आपके इवेंट होते हैं, इवेंट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है ड्राइवर विजिलेंट नहीं है अपनी जगह पे, क्योंकि उसको 60 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ करते रहना है, जैसे थ्रॉटल को ऑपरेट करेगा, फुट को दबाएगा, रिसेट को स्विच को दबाएगा, इससे मतलब ड्राइवर एक्टिव है उस कंडीशन में। ये एक्नॉलेज करने के लिए सब बटन ड्राइवर के पास में रहते हैं और अगर वो नहीं करता है तो उसके बाद ये रिसेट आपका इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है और ये सब रिकॉर्डिंग आपकी इवेंट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाती है। अब ट्रैक्शन मोटर का ट्रैक करने के बाद हम क्या करते हैं, लोकोमोटिव का जो भी होता है उसको कूलिंग डक को कनेक्ट करते हैं। ट्रैक्शन मोटर बूट एप्लीकेशन जो होते हैं रबड़ के डक होते हैं और जो गैलरी होती है ट्रैक्शन मोटर की वो बोगी में कनेक्टेड होती है और वो बूट हम उसके थ्रू कनेक्ट करते हैं ताकि मोटर की कूलिंग प्रॉपर हो सके। इसके साथ साथ अब जो हमारी जो भी टेस्टिंग में जो भी ट्रबल शूटिंग रहती है, वायरिंग डिफेक्ट हो गया, असेंबली डिफेक्ट हो गया, इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं, जीरो जीरो करने की कोशिश करते हैं, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन करते हैं। लास्ट में हम लोकोमोटिव का फिश आवर टेस्ट कराते हैं, इसमें वाटर लीकेज चेक करते हैं इनसाइड कैब में, मशीन रूम में एंड ट्रैक्शन मोटर्स में। देन आफ्टर प्री डिलीवरी, अब हमारा लोकोमोटिव डिलीवरी के लिए रेडी करना है तो हम फिर एक बार चेक करेंगे लाइटिंग क्या है, ऑल SR पैनल्स के डोर क्लोज होने चाहिए, लोको रनिंग फ्रीज रीजेनरेटिव ब्रेकिंग करके देखते हैं, चिप हम एबनॉर्मल साउंड रोटेटिंग मशीन का चेक करते हैं, कैब हीटर ब्लोअर देखते हैं, SR कूलेंट एंड ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल चेक करते हैं और जो भी फॉल्ट मैसेज है उसको डिलीट करते हैं और सभी की हमारी वहां पे अपडेट होनी चाहिए और फाइनली हमारा लोको डिस्पैच रेडी हो जाता है और हम यहां से फिर रूट रन ट्रायल के लिए उसको भेजते हैं। ये हमारी कंप्लीट टेस्टिंग है। थैंक्स।